स्टूडेंट्स, आई नीला पांडे वेलकम यू ऑल इन सी क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर दैट वी स्टार्टेड अर्लियर, दैट इज इवोल्यूशन। सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल स्टडी अबाउट लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने कहा यूज इन डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बात किया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई एडेप्टिव इवोल्यूशन हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को कि मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट हमने कहा कि वी विल स्टडी अबाउट लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो लैमार्क एक साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने क्या कहा कि भाई जो इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है वो किस बेसिस पर डिपेंडेंट है, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने ये प्रिंसिपल देते हुए कहा कि जो इवोल्यूशन टेक प्लेस किया वो इस प्रिंसिपल से हुआ कि कौन से ऑर्गन का यूज ज्यादा हो रहा है और कौन से ऑर्गन का यूज कम होगा। इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि लेट सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो जिस पार्ट का क्या करेगा, ज्यादा यूज करेगा, वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होता चला जाएगा। लेकिन जिस पार्ट का यूज वो धीरे धीरे क्या होगा, कम कर देगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो ऑर्गन था वो क्या होगा, वहां से एस्केप हो जाएगा, यानी कि वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बात की। अब अपने इस थॉट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एग्जांपल लिया जिराफ का। अब उन्होंने क्या कहा कि जो जिराफ हमें आज के टाइम पे दिखाई देते हैं, जिसकी लॉन्ग नेक है ना, जिराफ की क्या होती है, लॉन्ग नेक होती है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो जिराफ की लॉन्ग नेक है वो क्या है, इसी प्रिंसिपल की वजह से क्या हुई, अकल। ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स हुआ, जिस ऑर्गन का वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे वो ऑर्गन तो क्या होंगे, आगे वाली जनरेशन में फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन जिस पार्ट का वो इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा था तो वो क्या होगा, धीरे धीरे हटता चला जाएगा। अब इन्होंने कहा जिराफ के केस में कि भाई शुरू में तो क्या था, जिराफ की जो नेक थी ना वो छोटी थी, जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स की है। बट उसके बाद क्या हुआ, जो उसके सराउंडिंग में पेड़ पौधे थे जिनको वो खा रहा था वो क्या थे, उस टाइम पे छोटे थे। धीरे धीरे जब टाइम बदलने लगा तो जो प्लांट्स की हाइट थी ना वो क्या हुई, इंक्रीज होने लगी। अब जिराफ तो छोटा था, यानी कि उसकी हाइट तो छोटी थी, तो उस केस में वो उतनी लंबी लंबी ग्रासेस को कैसे खाता। तो अब उसने क्या किया, अपने जो नेक रीजन है वो क्या कर रहा था, उसको फोर्सफुली ऊपर की तरफ पुल कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो नेक वाला पार्ट था ना उसका यूज ज्यादा होने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती गई ना, तो उनकी जो नेक थी वो विद दैट हाइट ऑफ द प्लांट उसको रीच करने के लिए क्या हुआ, इनकी जो नेक थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे लंबी होती चली गई। और अब क्या है, जो जिराफ है उनकी नेक जो है वो काफी लंबी है। तो उन्होंने ये बोला, तो ये क्या था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की थ्योरी थी गिवन बाय लैमार्क। इन्होंने बोला कि जो पैरेट्स होंगे उनके अंदर जिन ऑर्गन्स का, जिन बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है वो क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे एज कम्पेयर टू दोज विच आर नॉट यूज इन केस ऑफ द पैरेट्स। और ये जो चीज होगी वो क्या होगी, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगी। पर ये बात क्या थी, रॉन्ग थी। अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए आए नेक्स्ट साइंटिस्ट, दैट इज हुगो डी ब्रीज। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑन इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज प्लांट के ऊपर इन्होंने क्या किया, स्टडी किया, और फिर इन्होंने टर्म दी म्यूटेशन। इन्होंने बोला कि भाई म्यूटेशन है दैट विल रिजल्ट इनटू इवोल्यूशन, म्यूटेशन की वजह से ही क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इन्होंने बोला कि लेट सपोज कोई भी जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनके अंदर क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन कोई चेंज आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सडन चेंज एक नए टाइप का ऑर्गेनिज्म क्या होगा, टेक प्लेस करेगा। अब जो इनकी थ्योरी थी म्यूटेशन वाली, तो ये क्या थी, टोटली डिफर करेगी दैट ऑफ द डार्विन। डार्विन ने क्या बोला कि जो नेचर है वो सिलेक्ट करती है, वो एक स्लो स्टडी प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, ऑर्गन जो ऑर्गेनिज्म जो था वो अपने आप को चेंज कर रहा था विद इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था वो अपने आप को चेंज कर रहा था। जो करेक्टर क्या थे, फेवर में थे, वो तो क्या हो रहे थे, उनको तो प्रमोट किया जा रहा था, बट जो फेवरेबल नहीं थे वो क्या हो रहे, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे करेक्टर्स के अंदर। तो ये एक स्लो प्रोसेस थी और इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन टेक प्लेस किया। बट हुगो डी ब्रीज ने क्या कहा
कि भाई ऐसा नहीं है, जो म्यूटेशन है वो टेक प्लेस करेगी, ऑल ऑफ अ सडन जो जीन्स होंगे उनके अंदर चेंजेस आएंगे और ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला और इसके अंदर इन्होंने वर्ड दिया साइटेशन, जिसका मतलब क्या होगा, सिंगल स्टेप म्यूटेशन, यानी कि एक सिंगल स्टेप हुआ, यानी एक ही जनरेशन आई और उसके बाद क्या हुआ, म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, एकदम से एक नई स्पीसीज क्या हुई, फॉर्म हुई। क्या कहा इन्होंने कि म्यूटेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पे साल्टेशन हो रहा है, यानी कि सिंगल स्टेप म्यूटेशन हुआ, एक ही सीक्वेंस या एक ही जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई है ना, वो म्यूटेशन की वजह से एकदम नई जो स्पीसीज है वो फॉर्म हो गई है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई स्पेसिएशन टेक प्लेस करेगा, एक जो स्पीसीज उससे ऑल ऑफ अ सडन कुछ नई स्पीसीज बन जाएगी, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। अब हम समझते हैं कि जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या कहता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। इसमें हम क्या कहते हैं कि किसी भी गिवन पॉपुलेशन के अंदर किसी भी एलील की जो फ्रिक्वेंसी होगी किसी गिवन लोकस के ऊपर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेट सपोज कि ये क्या है, जीन क्रोमोसोम था जिसके ऊपर एक लोकेशन थी, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। अब इस जीन्स के एलील से यहाँ पे दो एलील हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब जितनी भी पॉपुलेशन होगी जो कि वहाँ रह रही है, उन सब के अंदर सेम जीन के सेम एलील सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। लेट सपोज हम ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है, किसी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हम रह रहे हैं, तो हम सब के किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर इसी लोकस पे यही जो एलील्स हैं इस जीन के वो क्या है, प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी रहेगा ना इसका, कि मतलब ये कितने प्रेजेंट होंगे, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगी किसी भी गिवन एरिया के अंदर, ठीक है। ये क्या होती है, कॉन्स्टेंट रहेगी और ये एज इट इज ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक सिंपल सी बात। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ अ गिवन जीन वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कि वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब ट्रांसफर होंगे तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसे इन्होंने फिर क्या कहा कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है ये, इसे इन्होंने जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहा। इन्होंने कहा जो जीन पूल होगा, जीन पूल दैट मींस टोटल नंबर ऑफ जीन्स जितने भी प्रेजेंट हैं उसकी जितनी भी एलील फॉर्म है वो सब के सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जिसे इन्होंने क्या कहा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, टेक प्लेस करेगा। क्यों, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कि जो चीज है वो बैलेंस्ड है। अब बैलेंस ये होगी अगर जो जीन पूल है वो क्या, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, सेम है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली वो इक्विलिब्रियम में है, वो स्टेबिलिटी में है, ठीक है। अब इसको इन्होंने क्या कहा, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू इन्होंने क्या किया, इसको राइट डाउन किया, और जिसमें इन्होंने क्या कहा कि जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, वन। वन मीन्स की क्या है, वो स्टेबल है। अब इसके लिए इन्होंने दो टर्म्स लिए, उनको देखते हैं हम कौन कौन से टर्म्स लिए इन्होंने। इन्होंने बोला दो वर्ड्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई एक तो पी है और एक क्या है, क्यू है, ठीक है। पी क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द एलील कैपिटल पी, ठीक है। जो कैपिटल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पी है, और जो क्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है ऑफ द एलील स्मॉल ए, ठीक है। हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेट करके चलते हैं इसको समझने के लिए। तो लेट सपोज हमारे पास दो क्या थी, एलीलिक फॉर्म थी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। हमने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी कि गिवन पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए की वो कितनी है, पी है, और स्मॉल ए की कितनी है, क्यू है। अब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। हार्डी-विनबर्ग ने जो एक इक्वेशन दी थी वो क्या कहती है कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब मैथ्स में हमने इतना तो पढ़ा ही है, माना हम बायोलॉजी में आए हैं, बट थोड़ा बहुत बेसिक मैथ तो हम सबने पढ़ा ही है। तो उसमें देखो हमने एक टर्म पढ़ी हुई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू में करते हैं तो कितना आता है, ये जब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर टू ए बी प्लस
बी स्क्वायर, ये आता है ना। तो सेम ही है, ए प्लस बी की जगह यहाँ क्या है, पी और क्यू है। तो इसको आप क्या ले सकते थे, इट कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये आ गया। अब देखो जो p है, p स्क्वायर मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील a, ठीक है, q स्क्वायर मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील स्मॉल a। लेकिन ये p q का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो देखो हमने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशंस पढ़ी थी ना, जब हमने पढ़े थे क्रोसिस वगैरह, तो उसमें हमने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कहा था। तो यहाँ पे जो ये है, ये फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस a की, ये फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस स्मॉल a की, बट ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन की। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब कि एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हमारी यहाँ पे पी क्यू, समझ आया। तो ये क्या था जो उन्होंने इक्वेशन दी, एल्जेब्रिक इक्वेशन दी थी, तो उसके बेसिस पे क्या था, जो जीन फ्रीक्वेंसी होंगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो जीन फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या है, हमेशा स्टेबल रहेगी और ये कॉन्स्टेंट रहती है जैसे जैसे ये क्या होगी, जनरेशन टू जनरेशन पास होगी। लेकिन कंडीशन क्या रखी इन्होंने कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होगी ना अगर, तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, स्टेबल रहेगी। अब इन्होंने ये कहा कि आप इस इक्वेशन के थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके लिए रेवोल्यूशन टेक प्लेस किया या नहीं, अगर जो वैल्यू है इसकी वो क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है, ठीक है। उसने तो क्या कहा नॉर्मली कि वन ही रहेगी इसकी वैल्यू, बट जो इसकी वैल्यू है वो चेंज हुई, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारे जीन्स की, जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जीन के एलील की, तो वो चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे जीन्स के अंदर चेंजेस आ गए, और उस केस में क्या होगा, इवोल्यूशन टेक प्लेस करेगा, यानी कि वो किसकी तरफ मूव हो रहा है, इवोल्यूशन की तरफ मूव हो रहा है। तो इस चीज को आप कैसे पता लगाओगे कि अगर डेविएशन मिलता है हमें फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से अगर डेविएशन मिलता है, ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है, दैट मींस कि वहां पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन जो है वो चेंज हो रहे हैं, और उसका मतलब क्या होगा, इवोल्यूशन टेक प्लेस करेगी। तो अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से होंगे दैट विल अफेक्ट दिस हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें आपका आएगा म्यूटेशन, एज यू नो म्यूटेशन का मतलब क्या है, जीन्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो जीन के अंदर चेंज आएगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो उसकी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, ठीक है। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये वो फैक्टर्स होंगे जो कि इस इक्वेशन को जो हमने अभी की ना जस्ट, तो उस इक्वेशन को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब देखो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि सडन चेंजेस इन द जीन्स किसी भी पर्टिकुलर गिवन पॉपुलेशन के अंदर। लेट सपोज हमारे पास यहाँ क्या थी, एक पॉपुलेशन थी जो कि यहाँ पे रह रही थी, इसके अंदर क्या हुआ, जो यहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है उसके अंदर क्या हुए, म्यूटेशन की वजह से जो उसके जीन्स थे उसके अंदर क्या हुए, चेंजेस आ गए। जीन के अंदर चेंजेस आने का मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो चेंज हो गई, और जो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन होगी वो क्या हो गई, अब शो करेगी कि इवोल्यूशन की तरफ वो क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि जीन्स के अंदर वेरिएशन आनी स्टार्ट हो गई है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस कर रहा है, यानी कि दो अलग अलग जो जीन्स थे वो कंबाइन हो रहे हैं। तो ये कब टेक प्लेस करेगा, जब जीन माइग्रेशन टेक प्लेस करता है। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है, जीन्स माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेशन क्या होता है कि सीजनल मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, है ना, कि जो सीजनल मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो सीजन है वो फेवरेबल नहीं था, उस केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव ऑन किया, राइट। तो अब देखो इसमें क्या माइग्रेट किया, जीन, यानी कि जीन क्या है, मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेट सपोज दो कंडीशन ले लेते हैं, एक ये जियोग्राफिकल एरिया था और एक ये क्या था हमारा, सेकेंड जियोग्राफिकल एरिया है जिनके अंदर क्या है, दो अलग अलग पॉपुलेशन क्या है, रह रही है, ठीक है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी
स्टेबल है, राइट, दोनों की फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, लेकिन इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो अफेक्ट हो जाएगी जैसे ही क्या होंगे, जीन्स माइग्रेट होंगे। लेट सपोज यहाँ से कुछ एक जो जीन्स थे, यानी जीन्स मतलब कि जीन अलग से निकल के तो नहीं जा रहा, वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मूव करेगा। तो लेट सपोज यहाँ से कुछ एक जो ऑर्गेनिज्म थे वो इस एरिया को छोड़ करके इस एरिया के अंदर क्या हो गए, मूव हो गए। अब देखो लेट सपोज यहाँ पे 100 थे, यहाँ पे भी 100 थे, यहाँ से 4 क्या हुए उधर चले गए, तो इसमें से 4 माइनस किया हमने तो 96 आ गया, है ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, कमी आ गई, जीन्स क्या हो गए यहाँ पे कम हो गए, जीन की फ्रिक्वेंसी में क्या हो गई, डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि कुछ एक जीन यहाँ से लॉस हो गए हैं क्योंकि वो इस जगह छोड़ के कहीं और चले गए। यहाँ पे क्या हो गए, 4 नए ऐड हो गए, यानी कि 104 हो गया, यानी इसके अंदर क्या हुआ, जो जीन्स थे उनके अंदर क्या हुई, इंक्रीज आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, कुछ एक जो मेंबर्स थे वो एडअप हो गए किसी और एरिया से आकर के, तो ये क्या हुआ, जीन माइग्रेशन का, ठीक है। अब लेट सपोज ये जो नए आए हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आकर के जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स थे इनके साथ, उनके साथ क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, मेटिंग की। अब जब वो मेट करेंगे तो उस केस में हो सकता है कि कुछ नया कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाए। लेट सपोज इन्होंने मेट किया तो उस केस में क्या हुए, कुछ एक न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म हो गए, तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन, कुछ नया फॉर्म हुआ, इसका मतलब कुछ नए जीन्स के एलील्स क्या हो गए, अब यहाँ पे एडअप हो गए हैं। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि अब अगेन जो हमारी एक इक्वेशन हमने पढ़ी है अभी, जस्ट उस इक्वेशन के अंदर चेंजेस आए, जो कि शो कर रहा है कि जो जीन्स की फ्रिक्वेंसी थी उनके अंदर क्या हुआ, चेंज आया। अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि सडन चेंजेस इन द जीन फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे थे ये यहाँ से मूव ऑन हुआ, लेट सपोज यहाँ से कुछ उधर गए हैं तो कुछ एक जो ये वाले थे ये क्या हो गए, उधर से वापस इधर आ गए। तो ये क्या है, एक सिंपल माइग्रेशन है, जीन माइग्रेशन है, स्लोली स्लोली टेक प्लेस कर रहा है। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होगा, सडन चेंजेस इन द जीन फ्रिक्वेंसी। जैसा कि हमने जो 10th क्लास में एक एग्जांपल किया था ना कि जो बीटल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, किसी बुशेस एरिया के ऊपर रह रहे थे, तो उसमें देखो हमने ये सारी बातें की थी। उसमें हमने क्या कहा था कि जो हमारा बीटल है ना, अगर एक बुश के ऊपर पहले हमारे सारे रेड बीटल्स थे, उसके बाद क्या हुआ, लेट सपोज दीज आर द रेड बीटल्स, इन रेड बीटल्स की फ्रिक्वेंसी पहले क्या थी, वहां पे वो प्रेजेंट थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, सडनली चेंजेस आए जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से एक ब्लू कलर का क्या हुआ, हमारा जो बीटल था वो फॉर्म हो गया था। फिर उसके बाद वो अपना अलग शो कर रहे थे, ये जब रिप्रोड्यूस कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, अपनी फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, बट इनकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, क्योंकि ये नंबर में ज्यादा थे, इनकी क्वांटिटी क्या थी, ज्यादा थी। फिर हमने कहा था कि एकदम से एक एलिफेंट आया, उसे अपना फुट क्या हुआ, इस सीजन पे रखा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे क्या हुए, मोस्ट ऑफ देम वो मर गए थे, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखो सडन चेंज आया ना, पहले इनकी जो जीन्स की फ्रिक्वेंसी थी वो ज्यादा थी, क्यों थी, क्योंकि इनके नंबर ज्यादा थे, और इनके क्या थे, कम थी, क्योंकि इनके नंबर्स क्या थे, कम थे। बट अब क्या हुआ, इनका जो नंबर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये क्या हुआ, सडन चेंज आया इन दी जीन फ्रिक्वेंसी। तो ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसकी वजह से भी जो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी और वो डेविएट होगी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। तो ये क्या था, जेनेटिक ड्रिफ्ट था। अब हम पढ़ते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो होगा वो किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर तीन कंडीशन पढ़नी है हमें। फर्स्ट इज द स्टेबलाइज्ड, कि मतलब वो स्टेबल है। सेकंड उसमें वो शो करते हैं हम डायरेक्शनल मूवमेंट को, और थर्ड इसमें पढ़ते हैं हम डिसरप्टिव सिलेक्शन को। ये क्या है, टाइप्स है हमारी नेचुरल सिलेक्शन की जो कि हमें पढ़नी है इसके अंदर। अब इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट अगर हम बात करें स्टेबलाइज की, स्टेबलाइज में मतलब क्या कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसको वो क्या कर रही है, फेवर कर रही है। अब जो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा वो मीन पोजीशन पे प्रेजेंट होगा और उसको ही वो क्या करेगी, फेवर करेगी। तो इस केस में क्या होगा, लेट सपोज हम इस तरीके की कर्व बना रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे कर्व फॉर्म की लाइक दिस। अब इसके अंदर क्या हुआ,
जो ये मेन पोजीशन पे है कि जो सेंटर में, इसको ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है, जो नेचर है वो इसको क्या कर रही है, ये स्टेबल करेक्टर है और इसको ये क्या कर रही है, स्टेबलाइज्ड होगा। अब देखो इसने क्या कहा, लेट सपोज हम तीन हाइट के करेक्टर्स ले लेते हैं, एक हमारे पास टॉलनेस का करेक्टर है, एक डार्कनेस का है और एक है कि भाई जो हाइट है वो क्या होगी, मिड हो, ठीक है, बीच की हाइट। तो लेट सपोज इन द वेरी बिगिनिंग क्या होगा, जो हमारी नेचर है वो जो मिडल हाइट वाले होंगे उनको सपोर्ट कर रही है। तो मान लो कि इधर तो हमारे क्या है, डार्क वाले हैं, इधर हमारे टॉल वाले हैं और यहाँ पे क्या है, जो हमारी मिडल हाइट है वो वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो क्योंकि नेचर क्या कर रही है, वो मिडल वाले को प्रमोट कर रही है, तो जो साइड्स वाले होंगे वो क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, साइड वाले क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और जो हमारी कर्व होगी वो क्या होगी, सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा स्टेबलाइज्ड होगा। सेकंड, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्शनल मूवमेंट होगा कि एक तरफ के कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, लेट सपोज हमने जो पहले ड्रॉ किया था उसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखो डार्कनेस का कैरेक्टर था हमारा, यहाँ पे टॉलनेस का था और यहाँ मिडल हाइट का था। तो ये जो डार्कनेस वाले ना, इनको क्या किया उसने, फेवर नहीं किया कि जो छोटी हाइट वाले हैं वो तो एलिमिनेट होंगे, बाकी के सब क्या होंगे, बचे रहेंगे। तो इस केस में जो हमारी कर्व होगी वो क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो सिलेक्शन होगा वो क्या कहलाता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन कहलाता है। यानी जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आप इसमें क्या ड्रॉ करोगे, इस तरीके से क्या होगी, आगे मूव होगी, ठीक है। लास्ट होने है हमारा डिस्ट्रक्टिव। इसमें क्या होता है, जो बीच का कैरेक्टर होता है ना, जो बीच का कैरेक्टर होगा उसको तो क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट, कि भाई जो मिडल हाइट वाले हैं वो तो क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जो कर्व है वो क्या होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जो बीच का पीक वाला था वो हट गया, अब जो कर्व बची हमारी वो क्या होगी, इस तरीके की फॉर्म होगी। यानी कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स को इसने क्या कर दिया, फेवर कर दिया है। और जो सेंटर वाले पहले क्या थे, बहुत ज्यादा स्टेबल थे ना फर्स्ट केस में, जब हमने यहाँ बात की थी, वो अब सारे के सारे क्या हुए, एलिमिनेट होने लग गए हैं धीरे धीरे। तो ये क्या थे, हमारे सिलेक्शन थे, सिलेक्शन का टाइप था, जो कि क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर अकर करता है। अब जब हम बात करें ना जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड ऑल की, तो इसमें आपका एक फाउंडर इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखो फाउंडर इफेक्ट में जो फाउंडर होता है वो कौन होगा, जो आपकी फर्स्ट ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन की, हमने बात की ना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, यानी कि सडन चेंजेस आएंगे इन द जीन फ्रीक्वेंसी। तो वो क्या होगा, जो वो पॉपुलेशन बनी वो क्या होगी, फाउंडर होगी, और उसकी वजह से जो इवोल्यूशन या म्यूटेशन की प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है वो क्या होगा, आपका फाउंडर इफेक्ट कहलाएगा। जिसका एग्जांपल हम वही बीजल वाला ही लेट करते हैं कि क्या हुआ, फाउंडर इफेक्ट वाले को पहले क्या था, रेड वाला ज्यादा था, ब्लू वाला कम था, बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ब्लू वाले का नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो वो क्या होगा, एक फाउंडर इफेक्ट होगा। फाउंडर शुरू में कौन था, ब्लू वाला, जो एक फॉर्म हुआ था, बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, अब एक नई पॉपुलेशन बन गई है, तो वो क्या है, हमारा फाउंडर इफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि लेमार्क की थ्योरी क्या कहती है, यानी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा हुगो डी ब्रिस की जो थ्योरी थी, म्यूटेशन के थ्रू क्या हुआ, इवोल्यूशन टेक प्लेस किया, एंड देन वी स्टडीड दिस हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।